हाय गाइस, आज हमारे घर में हो रहे हैं महामृत्युंजय के पाठ। ये देखिए, पंडित जी मंडप बना रहे हैं। हमारे घर में हर साल ये अनुष्ठान होता है। हर साल हमारे घर में ये पाठ फैमिली मेंबर्स की ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। ये देख लीजिए, मंडप बन रहा है और पंडित जी ने मंडप के लिए कोई कलर्स यूज नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने अलग अलग तरह की दाल यूज की है। और देखिए हमारा मंडप कितना सुंदर लग रहा है। ये देख लीजिए, पूजन की थाली भी तैयार हो गई है। और हमारा मंडप भी पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अखंड सौभाग्यवती पुत्र प्रजानमिन्द्रो महाबला तेनां त्वां प्रति वंदनामि। रक्षे मांचल मांचलाह हरि ओम नमः नारायण। प्रतिमसि धामना मासिम त्रिवाम देवा नाम दृष्टाम देवाम जन्मसि विष्णु। समर्पयामि श्री गणेश। तेजो वसी शुक्रवासी धामनासीवा देवानां दृष्टं देवं जन्मसि विष्णुदा। मधुस्नानां तेजोदकं स्नानं समर्पयामि श्री गणेश। पञ्चामृतमयाने नमस्कारार्थं प्रतिवेदाः। पञ्चामृतस्नानां तेजोदकं स्नानं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो। मूर्ति को साफ करके मंडप में स्थापित करना के जय हरि ओम जय जय श्री राधे राधे राधे। हरि ओम वस्त्रं वपुवस्त्रं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। सर्वभूषादिके सोमे लोकलज्जा निवारणे वैभवादितुभ्यं महर्षसि प्रतिदेदाः। यज्ञवेदं च समर्पयामि नमो जलाजुनं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमो नमः। चावल के दाने कुमकुम श्रृंगा के जी अक्षता च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाता शिशोभिता मया निवेदिता भक्त्यां गृहाणक्षतां समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। पूरा पुत्राधना की माल्यादि में ब्रह्मयानितानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वर पुष्पमालां च समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। दुग्धिखाना जी हाथ में लेकर के वनस्पति सोदगंधाग्रह सर्वादेवानामूपयोग्राप्यामि दीपम दर्शयामि। अमृता
परमात्मी नमो नमः पूजे करके प्रणाम करना जे अश्वत्थामा मदिर व्यास हनुमान शबे बिना नीलाम मुझ श्याम मन को मलांगम सीता समारूप तवाद वागम आन महंसाय कुचारु चापम नमामि राम मृगवंश नाथम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामान्यते कश्चन सर्वकमस्मद्रेकां काम्पलवासिनी श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। चार दिन के पाठ होने पर पांचवें दिन अब हवन हो रहा है। देख लीजिए पंडित जी, अब हवन के लिए मंडप बना रहे हैं। आज हमारे पूरे 5 दिन का अनुष्ठान हवन के साथ पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हवन हवन कुंड में या अंगीठी में होता है, पर हमारे पास अंगीठी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने इसमें हवन किया है। वीडियो क्लास तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।